आज मेरे पास है आपके लिए बची हुई रोटियों से बनने वाले ऐसे दो मजेदार से स्नैक जिनको बनाने के लिए आप जान बूझ कर रोटियां बचाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, इनको ना मैश कर देंगे। तो आप पोटैटो मैशर से कर लें, आप घिस लें, या फिर इस तरह से फोक से मैश कर लें। तो ये देखिए आलू को मैंने मैश कर लिया है अच्छे से, और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बारीक करी हुई अदरक, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा प्याज। तो प्याज ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, और अगर आप बिना प्याज का बनाना चाहते हैं तो आप इसको बिना प्याज का भी बना सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, और साथ में हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और बस इन सभी चीज़ों को हम आलू के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर ना किसी भी तरह की स्टफिंग तैयार कर सकते हो, मतलब आप पनीर की बना सकते हो, आप बॉईल किए हुए कच्चे जो केले होते हैं उसकी स्टफिंग बना सकते हो, बीटरूट मिला सकते हो, आपकी चॉइस है, जो भी चाहें आप। तो ये देखिए मैंने मिक्सर तैयार कर लिया, हम इसे साइड में रखेंगे। और अब मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप आटा। तो अगर आप आटा इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इसमें बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे करीब 2 टेबलस्पून चावल का आटा, इससे ये बहुत ही क्रिस्प बनेगा नाश्ता। साथ में जाएगा करीब 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा धनिया, और इन सभी चीज़ों को पहले हम अच्छे से आपस में मिला देंगे। और अब बस हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसका जैसा पकौड़ों का बैटर बनता है ना, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। तो ना अगर कभी भी आपके पास बची हुई रोटी रखी हो तो आप ये नाश्ता तैयार करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। तो आज ना मैं इसके आपको 2 वेरिएशंस दिखाऊंगी, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को आपस में मिला लिया, और आप कंसिस्टेंसी देख लें, जैसे बिल्कुल पकौड़े की कंसिस्टेंसी है मैंने वही रखी है। हम इसको भी साइड में रखेंगे। और अब मैंने अपनी यहाँ पर सुबह की बची हुई रोटी ली है, और यहाँ मेरे पास है हरी चटनी। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 पतली सी लेयर हरी चटनी की लगा देंगे इसमें। तो अगर आपको जल्दी है और आपके पास हरी चटनी नहीं है तो आप टोमेटो केचप या मेयो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई भी चटनी चलेगी इस पे, मिंट की हो चाहे धनिया की हो। और अब हम क्या करेंगे, इस पे जो हमने आलू का मसाला बनाया था ना उसकी 1 पतली सी लेयर लगाएंगे इस तरह से फैला के। तो ये देखिए मैंने अच्छे से सारे आलू को पूरी रोटी पे फैला दिया है। और अब हम एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे और इस रोटी को इस तरह से कट कर देंगे, बिल्कुल जैसे पिज़्ज़ा काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही काटना है हमें। तो ये देखिए जितना मसाला मैंने आज बनाया है ना, वो आप 4 रोटियों पर आराम से लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़े से ट्रायंगल्स तैयार कर लिए हैं, और अब यहाँ पे मैंने ना ये चीज़ स्लाइस लिया है, आप देख सकते हैं। इसको मैं क्या करूँगी, बीच से इस तरह से काटूँगी, और ये देखिए इस तरह से काट के डायगनली हम इसके भी ट्रायंगल बना लेंगे। तो अगर आपके पास चीज़ स्लाइस नहीं है ना, तो आप चीज़ क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल्स हमने बनाए थे हम इनको लेंगे और इसके बीच में इसको लगा देंगे, और जो दूसरी वाली रोटी थी ना हम उसको इससे कवर कर देंगे अच्छे से, ये देखिए। तो बस इस तरह के हम ट्रायंगल्स तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने कुछ सैंडविचेस बना के तैयार कर लिए हैं, हम इसे साइड में रखेंगे और बाद में मैं आपको इसको अलग तरीके से सेक के भी दिखाऊंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो रोटियां हमने काट के रखी थी ना इस तरह से, हम इनको फ्राई करेंगे पहले। तो हम जो हमने घोल बनाया था, हम एक बार अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे फिर से, और इनको इस तरह से डिप करेंगे, ये देखिए। और हमें इनको फ्राई करना है, तो यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर रखा है और हम इनको इसमें डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ी देर तक ऐसे ही सिकने देंगे, और जब ये थोड़े से सिक जाएंगे तो हम इनको इस तरह से पलट देंगे, और बस अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। तो इनको सिकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट सिक जाते हैं, समोसे और कचौरियों से भी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं खाने में। तो ये देखिए सिक्के बिल्कुल तैयार हैं, दोनों साइड से एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो गए, बस हम इनको निकाल लेंगे। और अब मैं दिखाती हूँ जो हमने सैंडविचेस बनाए थे ना उनको कैसे फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने फिर से इसको स्लरी में डिप कर लिया है, और ना यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा तेल डाला है बिल्कुल। तो बस हम इनको क्या करेंगे, इस तरह से डिप करके और पैन पे पकाएंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, हम इसमें डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, मतलब हम पैन फ्राई कर रहे हैं इनको, इससे भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और क्योंकि हमने चीज़ डाला है ना इसमें, तो बेटर होता है कि अगर आप चीज़ वाले बनाएं तो इस तरह से पैन फ्राई करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, फ्राई करते समय चीज़ जो है मेल्ट होके कढ़ाई में गिरने लगता है, और फिर ये खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। तो बस अभी हमें इनको थोड़ी देर तक सिकने देना है, टच नहीं करना है, और जब ये थोड़े से सिक जाएंगे ना तो हमें इनको इस तरह से पलट देना है, ये देखिए। और बस दोनों साइड से हमें एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक सेक लेना है। तो अगर आपके बच्चे ना नॉर्मल रोटी पराठा नहीं खाना पसंद करते हो, तो आप उनको इस तरह से बना के खिलाइएगा, उनको बहुत ही पसंद आएगा ये। तो ये देखिए मैंने इनको बस थोड़ी सी ही देर सेका है, और आप देखिए क्या बढ़िया गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो गए हैं, मतलब इनको निकालने का टाइम आ चुका है।
तो बस आप इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल दें जिससे इनमें इन्होंने जो भी एक्स्ट्रा ऑयल अब्जॉर्ब किया है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारा फटाफट एकदम क्विक एंड ईजी स्नैक बन के तैयार है, और अगर आप इसको खाओगे ना तो इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है और ये बहुत बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो आप दोनों तरीके से ट्राई करके देखिए।